कंफ्यूज अबाउट ये प्रैक्टिकल्स, पता नहीं कि प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, वाइवा किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, और इन सब का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और आपको इसके लिए प्रिपरेशंस कैसे करना है। सो डोंट टेक टेंशन, लेट मी हैंडल दिस। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिजियो बाय हार्ट। आई एम गौरव एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। सो इन टूडेज वीडियो आई एम गोना टेल यू हाउ योर फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल एग्जाम्स आर एक्चुअली कंडक्टेड, वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन आर आस्ड एंड मेनी मोर थिंग्स। आई विल ट्राई टू कवर ऑल द पॉइंट्स इन डिटेल, सो वीडियो में बी लॉन्गर इन ड्यूरेशन, बट आई विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल दैन डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो दैन डू हिट द लाइक बटन। नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गो। फॉर फर्स्ट ईयर हमें चार सब्जेक्ट्स के लिए प्रैक्टिकल्स होता है, डेट इज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज थेरेपी एंड इलेक्ट्रोथेरेपी। सो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए। सो सबसे पहले तो सारे सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स हमें 100 मार्क्स के लिए होते हैं, जिसमें कि हमारा एक्चुअल प्रैक्टिकल 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स हमें इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। सो स्टार्टिंग विद द एनाटॉमी, सो फॉर एनाटॉमी आई एम शेयरिंग वन टेबल, सो वो टेबल आपको यहाँ पर किधर तो भी डिस्प्ले कर रहा होगा। तो एनेट में मोस्टली हमें क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि स्पॉटिंग, रेडियोलॉजी, लिविंग एनाटॉमी एंड वाइवा। सो स्पॉटिंग में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जैसे कि बोन्स, ऑर्गन्स, मसल्स रखे जाते हैं टेबल पर, और उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो स्पॉट के साइड में एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसको आपको पढ़ना होता है, और उसका आंसर आपको आपके आंसर शीट में लिखना होता है विथ 2 to 3 लाइन्स। सो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है ह्यूमरस, तो ह्यूमरस का ग्रेटर ट्यूबरकल मार्क किया है, तो वहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि आइडेंटिफाई द मार्क स्ट्रक्चर एंड नेम द मसल्स अटैच टू इट। सो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं फॉर द स्पॉटिंग। सो आपका जो BDC का जो बुक होता है उसमें मिडिल और लास्ट पेज में कुछ स्पॉटिंग के क्वेश्चन दिए होते हैं, तो आप स्पॉटिंग के लिए उस क्वेश्चन को रेफर कर सकते हो। सो उसके बाद है रेडियोलॉजी, तो रेडियोलॉजी में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एक्सरेज रखे जाते हैं, तो एग्जामिनर रैंडमली कौन सा भी एक एक्सरे आपको देते हैं, और आपको एक्सरे प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना होता है और उसके रिलेटेड 2-3 सेंटेंसेस आपको बताने होते हैं एग्जामिनर को। तो रेडियोलॉजी में कुछ इस तरीके से होता है। देन वी आर हैविंग लिविंग एनाटॉमी, सो आई थिंक लिविंग एनाटॉमी थोड़ा टफ होता है क्योंकि लिविंग एनाटॉमी में रैंडमली एग्जामिनर कौन से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो फॉर लिविंग एनाटॉमी अगर आपका थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छा है तो आई थिंक आप लिविंग एनाटॉमी अच्छे से दे पाओगे। तो मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। तो एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि लॉन्गेस्ट मसल कौन सा है, तो लॉन्गेस्ट मसल है सार्टोरियस, तो उसका ओरिजिन क्या है, इंसर्शन क्या है। देन वो आपको पूछ सकते हैं कि बॉक्सर्स मसल कौन सा है, तो बॉक्सर्स मसल है सीराटिस एंटीरियर, तो उसका पैरालिसिस हुआ तो क्या हो सकता है, तो उसका पैरालिसिस हुआ तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो एग्जामिनर रैंडमली कौन से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। उसके अलावा आपको प्रॉपरली सारे आर्टरीज, नर्व्स, वेन्स पता होने चाहिए, और लिविंग एनाटॉमी में ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि मसल का टेस्टिंग किस तरीके से करना है, सो वो आपको पूछ सकते हैं कि टेस्टिंग ऑफ क्वाड्रिसेप। तो लिविंग एनाटॉमी में इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका अगर थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छा है तो आप अच्छे से कोप कर पाओगे फॉर लिविंग एनाटॉमी। नाउ कमिंग टू द वाइवा, तो वाइवा में हमें आते हैं हार्ड पार्ट्स और सॉफ्ट पार्ट्स। तो हार्ड पार्ट्स में मोस्टली आते हैं बोन्स, और सॉफ्ट पार्ट्स में डिफरेंट ऑर्गन्स, मसल्स, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो क्या होता है कि एक टेबल पर सारे बोन्स अरेंज किए होते हैं, और एग्जामिनर रैंडमली कौन सा भी बोन हमें उठाने को बोलते हैं और उसको हमें एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो कि है, आपको बोन को प्रॉपर एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करना है। तो अगर आपके पास बोन सेट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप क्लियर कर सकते हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप आपके BDC में से रीड कर सकते हो अबाउट द बोन्स, और अगर आपके फ्रेंड के पास बोन सेट है तो आप उसके साथ शेयर कर स्टडी कर सकते हो। तो ये तो हो गया हार्ड पार्ट्स का। देन वी आर हैविंग सॉफ्ट पार्ट्स। सॉफ्ट पार्ट्स में क्या होता है कि सॉफ्ट पार्ट्स में भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स ऐसे रखे जाते हैं टेबल पर, और एग्जामिनर रैंडमली हमें आइडेंटिफाई करने को बोलते हैं कि ये कौन सा ऑर्गन है, उसके बारे में बताओ। सो फॉर एग्जांपल आपको आया राइट लंग, तो आपको राइट लंग को पहले तो प्रॉपर एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करना है, देन उसके बाद आपको उसको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से आता है शॉर्ट पार्ट्स का। देन लास्टली वी आर हैविंग जर्नल्स, तो आपको जर्नल सबमिट करने होते हैं और उसके लिए भी मार्क्स होते हैं।
तो इस तरीके से होता है प्रॉपरली फॉर एनाटॉमी। नाउ टॉकिंग अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमें होता है स्पॉटिंग, वाइवा, डेमोन्स्ट्रेशन एंड जर्नल्स। स्पॉटिंग में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं टेबल पर और उसके साइड में क्वेश्चन दिया जाता है, तो आपको वो क्वेश्चन को ठीक से पढ़कर उसके रिलेटेड 1 to 2 lines लिखना है। तो मेरे पास स्पॉटिंग के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिसका मैंने PDF बना के रखा है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस क्वेश्चंस को ज़रूर से चेकआउट करना। देन सेकेंडली वी आर हैविंग वाइवा, तो वाइवा मोस्टली बेस्ड होता है हमारे थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर। मोस्टली हमें नॉलेज तो होता है लेकिन हम वाइवा में गड़बड़ कर देते हैं, तो इसका मेन रीज़न एक ही है कि हम ज़्यादातर स्ट्रेस ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं, तो इसकी वजह से हम गड़बड़ कर देते हैं। तो एक यहाँ पर मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि आप वाइवा के 10 से 15 मिनट पहले कुछ मत पढ़िए, बस आपको काम रहना है, आपके माइंड को शांत करना है। तो ये आप कर सकते हो बाय डूइंग डीप ब्रीदिंग। सो आपको बस डीप ब्रीदिंग करना है और किसी से ज़्यादा बात मत करना, बस वाइवा होने तक आपको आपके माइंड को काम रखना है। और अगर एग्जामिनर ने आपको कोई क्वेश्चन पूछा तो गड़बड़ नहीं करना, आपको बस 1 to 2 seconds थोड़ा पॉज कर अच्छे से उसके बारे में सोच कर जवाब देना है, इससे श्योरली आपका वाइवा अच्छा जाएगा। देन वी आर हैविंग डेमोन्स्ट्रेशन, सो मोस्टली डेमोन्स्ट्रेशन आता है हमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड लास्टली ऑफ द क्रैनियल नर्व टेस्टिंग एंड स्पेशल सेंसेस। सो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, पल्स रेट मेजरमेंट। सो ब्लड प्रेशर किस तरीके से मेजर करना है वो आपको प्रॉपरली आना चाहिए, तो उसके रिलेटेड हमें क्वेश्चन आ सकता है। देन वी आर हैविंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ सकता है कि रेस्पिरेटरी रेट, चेस्ट डायमीटर, चेस्ट एक्सपांशन। देन फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमें आ सकता है सेंसेशन, रिफ्लेक्सेस एंड लास्टली क्रैनियल नर्व टेस्टिंग। तो हर एक क्रैनियल नर्व का डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का नॉलेज आपको आपके प्रैक्टिकल सेशंस में अच्छे से आ जाएगा, सो डोंट मिस एनी ऑफ योर प्रैक्टिकल सेशन, आपको आपके प्रैक्टिकल सेशन जरूर से अटेंड करने हैं। देन लास्टली वी आर हैविंग जर्नल्स। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज थेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी में हमें शॉर्ट केसेस होते हैं और लॉन्ग केसेस होते हैं। तो हमें एक लॉन्ग केस होता है और दो शॉर्ट केसेस होते हैं। तो मोस्टली लॉन्ग केस हमें पूछा जाता है ऑन द टॉपिक मसाज, गोनियोमेट्री एंड पैसिव मूवमेंट्स, एंड शॉर्ट केस में मोस्टली हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन द टॉपिक ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, सेंसेशंस, रिफ्लेक्सेस, उसके अलावा स्टार्टिंग एंड डिराइट पोजिशन, रिलैक्सेशन, योगा। तो ये सब चीज़ें हमें शॉर्ट केस में पूछे जाते हैं। तो लॉन्ग केस में फॉर एग्जांपल आपको आया गोनियोमेट्री फॉर शोल्डर जॉइंट, तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा 10 से 15 मिनट बिफोर द एग्जाम। तो आपको ये 10-15 मिनट में प्रॉपर प्रिपरेशन करना है आपका, आपको आपके मॉडल को प्रॉपरली रेडी करना है। तो एग्जामिनर आपके पास आते हैं और आपको वो पूरा प्रोसीजर डेमोन्स्ट्रेट करना होता है इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर। तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको आपका इंट्रोडक्शन देना है मॉडल को, देन उसको आपको प्रॉपर पोजीशनिंग देना है, देन उसको प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आप क्या प्रैक्टिकल करने वाले हो। और अगर प्रैक्टिकल में अगर आपको पेशेंट का कोई पार्ट एक्सपोज करना होगा तो आपको पेशेंट का कंसेंट लेना होगा। तो इस तरीके से आपको बोलना है, कंसेंट लेने के बाद आपको प्रॉपरली वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाना है एग्जामिनर को। तो एग्जामिनर उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको अच्छे से उसके आंसर्स देने हैं। देन फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस सिमिलरली आपको यही स्टेप फॉलो करना है, आपको पेशेंट को आपका इंट्रोडक्शन देना है, देन पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि आप कौन सा प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हो, उसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा, अगर एक्सपोज करना हो तो उसका कंसेंट लेना होगा, देन उसके बाद आपको प्रॉपरली वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाना होगा। तो कुछ इस तरीके से होता है फॉर एक्सरसाइज थेरेपी। देन लास्टली वी आर हैविंग इलेक्ट्रोथेरेपी, तो इलेक्ट्रोथेरेपी में भी हमें सिमिलरली एक लॉन्ग केस होता है और दो शॉर्ट केसेस होते हैं। तो लॉन्ग केस में मोस्टली आपको सुपरफिशियल थर्मल एजेंट्स पर क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि इंक्लूड होता है हाइड्रोकोलेटरल पैक्स, क्रायोथेरेपी, पैराफिन वैक्स बाथ, इंफ्रारेड रेडिएशन, UVR, लेजर। तो ये सब सुपरफिशियल थर्मल मॉडलिटीज आपको आते हैं लॉन्ग केस में। तो इसके लिए भी आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं बिफोर 10 to 15 minutes, उसको आपको प्रॉपरली प्रिपेयर कर प्रेजेंट करना होता है इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर। तो इसमें भी सिमिलर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जैसे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन, देन पेशेंट्स पोजीशन, देन प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड देन डेमोन्स्ट्रेशन, और लास्टली एग्जामिनर उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद शॉर्ट केस में मोस्टली आपको आते हैं टेस्टिंग ऑफ मॉडलिटीज, तो उसमें आपको आ सकते हैं लो फ्रिक्वेंसी, मीडियम फ्रिक्वेंसी एंड हाई फ्रिक्वेंसी मॉडलिटीज। तो लो फ्रिक्वेंसी में आता है टेंस, मीडियम फ्रिक्वेंसी में आते हैं IFT एंड हाई फ्रिक्वेंसी में आता है आपको टेस्टिंग ऑफ शॉर्टवेव डायथर्मी एंड टेस्टिंग ऑफ अल्ट्रासाउंड। उसके बाद लास्टली हमें हमारा जर्नल सबमिट करना होता है।
सो आई होप आपको एक प्रॉपर आइडिया आया होगा आपके प्रैक्टिकल्स के रिलेटेड. तो अगर आपको कोई क्वेरीज हो या डाउट हो इसके रिलेटेड, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना. और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर से मुझे फॉलो कर दो. मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय. Wanna be